आज तक ने आज आपके फ्लाइट रिस्क को परखा है, हमने यह पता लगाया कि अगर आप फ्लाइट में जाते हैं तो किस सीट पर कितना रिस्क रहेगा और आपको कोरोना के संकट काल में फ्लाइट में जाना भी चाहिए या नहीं। दो महीने के लॉकडाउन के बाद घरेलू विमान सेवा बहाल हो गई है और भारत ने मास्क और अन्य सुरक्षा इंतजामों के साथ नई उड़ान भरना शुरू कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारा कंफ्यूजन भी है और उससे भी बड़ी बात है कोरोना का वो जोखिम जो एक फ्लाइट में किसी को भी डरा सकता है। उड़ान के दौरान बीच की सीट भी फिलहाल भरी हुई है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ी सावधानी बरतने के बाद भी बहुत जोखिम है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर कोरोना काल में कोई हवाई यात्रा करता है तो वो कितने जोखिम में है। इन्फेक्शन का जोखिम तब और बढ़ जाता है जब एक संक्रमित व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति के साथ बैठता होगा। कोरोना संकट आने से पहले दो स्टडीज हो चुकी हैं जो ये बताती हैं कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति फ्लाइट में है तो दूसरे यात्री कितने जोखिम में होंगे। 2018 में हुई स्टडी बताती है कि दूरी बढ़ने से संक्रमण का खतरा कैसे कम होता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति फ्लाइट की 14C सीट पर है तो जो सीटें लाल रंग में दिखाई दे रही हैं उन पर बैठे व्यक्ति को संक्रमण का 80% से लेकर 100% तक खतरा होगा। जो सीटें गुलाबी रंग में दिख रही हैं उन पर 3% खतरा होगा, जबकि नारंगी रंग वाले लोगों को 5-20% खतरा होगा। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी ने यह पता लगाया था कि अगर संक्रमित व्यक्ति मास्क पहनने के बाद छींकता है तो भी सार्स जैसे वायरस किस तरह फैलते हैं। इससे ये पता चलता है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में बैठे 10 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि कुछ संक्रमण ऐसे होते हैं जो सबको संक्रमित कर सकते हैं। तो क्या कोरोना संक्रमण का ये जोखिम विंडो सीट, बीच की सीट या किनारे की सीट के साथ बदलता है? इस सवाल का जवाब हवा के बहाव में है। विमान के अंदर एयर फ्लो कैसा है ये इस पर निर्भर करता है। हालांकि किनारे की सीट पर ज्यादा जोखिम है और विंडो सीट पर कम। इससे एक नई बहस शुरू हो गई है कि बीच की सीट को खाली रखने का कोई फायदा है या नहीं। तमाम स्टडीज कहती हैं कि बीच की सीट को खाली छोड़ने से यात्री को मनोवैज्ञानिक राहत मिल सकती है और बिजनेस क्लास की सीटें वायरस से बचाव में ज्यादा कारगर साबित हो सकती हैं। सवाल यह है कि क्या विमान यात्रा करना सुरक्षित है? तमाम एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विमानों का वेंटिलेशन रेट तमाम ऑफिस बिल्डिंग से ज्यादा होता है, लेकिन यात्रा से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि क्या ये इतनी जरूरी है। आज तक ब्यूरो।